देखा है कि हिंदू धर्म में किसी भी अनुष्ठान को करने के बाद भोजन प्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसे आम भाषा में भंडारा बोला जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भोजन प्रसाद का आयोजन करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो वो है अन्नदान। ये संसार अन्न से ही बना है और अन्न की सहायता से ही इसकी रचनाओं का पालन हो रहा है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भंडारा क्यों आयोजित किया जाता है? तो आज हम इस वीडियो में आपको भोजन प्रसाद की कुछ जरूरी बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल प्राचीन समय में दान पुण्य को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। पुराने समय में राजाओं महाराजाओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के पूरे होने पर संपूर्ण प्रजा में जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं दान के रूप में की जाती थीं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को महादान माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक कथा में ये उल्लेख मिलता है कि जब विदर्भ के राजा श्वेत अपने कठोर तप के कारण ब्रह्मलोक में गए थे, जहां उन्हें भोजन का एक कण भी प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके बाद विदर्भ के राजा ने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने जीवन में कभी भी अन्नदान नहीं किया था, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भोजन नहीं मिला। वहीं एक और प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान शिव एक भिक्षुक का वेश धारण कर पृथ्वी पर एक महिला से दान मांगा, तो महिला ने भगवान शिव से कहा कि वो अभी दान नहीं कर सकती क्योंकि वो उपले बना रही है। जब भगवान शिव ने उस महिला से दान के लिए जिद की तो महिला ने क्रोध में आकर भगवान शिव को दान में गोबर के उपले दे दिए। और मृत्यु के पश्चात जब महिला परलोक में पहुंची तो वहां उसे भोजन के स्थान पर गोबर के उपले प्राप्त हुए। तो क्या है इसका महत्व? भंडारे के लिए हर वर्ग, जाति व संप्रदाय के लोग एक साथ नीचे बैठकर भोजन करते हैं। भंडारे में सभी लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्नदान करते हैं। भंडारे में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। भंडारे की एक विशेष बात यह है कि भोजन में सभी सब्जियों को मिलाकर एक भाजी बनाई जाती है, जिसे राम भाजी भी कहा जाता है। इसलिए हमने ये देखा है कि भारत में होने वाले अधिकतर अनुष्ठान और यज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे के दौरान लोग अपनी श्रद्धा या अपनी हैसियत के अनुसार भोजन वितरित करते हैं। भंडारा करवाने का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को भोजन करवाने से लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना ना।